नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज केएल राहुल की जगह ईशान किशन को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला और ईशान किशन ने आज केएल राहुल की जगह उस तरह की दमदार परफॉर्मेंस नहीं की जिस तरह की केएल राहुल परफॉर्मेंस करते हैं। और अब इसके बाद केएल राहुल का एक महत्वपूर्ण बयान आया है और मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ईशान किशन की इस बैटिंग पर केएल राहुल ने क्या कहा है। दोस्तों, आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक और बेहद ही शानदार मुकाबला खेला जा रहा है जहाँ आज टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा ने आज बहुत ही शानदार पारी खेली जहां रोहित शर्मा ने महज 31 ही गेंदों पर 56 रन जड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल की जगह आए ईशान किशन ने आज उस तरह की उम्दा परफॉर्मेंस नहीं की जिस तरह की केएल राहुल कर सकते थे। आज ईशान किशन ने 21 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इन्होंने बेहद ही शानदार 6 चौके भी जड़े। इन्होंने टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट जरूर दिलाया और 50+ की पार्टनरशिप भी की। जी हाँ, आपको बता दें, आज ईशान किशन का जो विकेट गिरा वो 69 रनों पर गिरा और वो भी 6.2 ओवर में। तो आप सभी समझ सकते हैं कि टीम इंडिया ने आज कितना तेज खेला। अब इसके बाद केएल राहुल का बयान आया है ईशान किशन की इस बैटिंग को लेकर। जी हाँ, केएल राहुल का कहना है कि आज ईशान किशन बेशक से उनकी जगह पर उतरे थे लेकिन टीम इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है क्योंकि 2022 में T20 वर्ल्ड कप होना है और टीम इंडिया को पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन किस जगह पर खेल सकता है। केएल राहुल का कहना है कि ये हमारा एक टेस्ट था और ईशान किशन इस टेस्ट को ऑलमोस्ट पास कर चुके हैं क्योंकि बेशक से उन्होंने 29 रनों की एक छोटी पारी खेली लेकिन T20 में ये छोटी पारियां बेहद ही कारगर साबित होती हैं और ईशान किशन ने टीम इंडिया को एक बेहद ही शानदार शुरुआत पहले विकेट के लिए दिला दी और ईशान किशन का जो विकेट गिरा वो 69 रनों पर गिरा। तब तक टीम इंडिया पावर प्ले का बहुत ही बेहतरीन उपयोग कर चुकी थी और रोहित शर्मा ने भी बेहद ही शानदार यहाँ पर शुरुआत दिलाई है। मैं आपको बता दूं कि राहुल का ये कहना है कि ईशान किशन टीम इंडिया का भविष्य होने वाले हैं और टीम इंडिया को आने वाले दिनों में ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि ईशान किशन अगर भारत की तरफ से खेलते हुए कुछ महत्वपूर्ण पारियाँ खेल जाते हैं तो वो लगभग ओपनिंग में अपनी जगह फिक्स कर सकते हैं और इसके बाद हो सकता है कि केएल राहुल को किसी और नंबर पर खिलाया जाए क्योंकि केएल राहुल किसी भी नंबर पर खेलने के लिए सक्षम है। हमने पहले भी देखा है कि केएल राहुल 5वें या फिर 6ठे नंबर पर खेलते थे और फिर केएल राहुल 4थे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर चुके हैं। तो एक बात तो साफ है कि केएल राहुल किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें ईशान किशन की तो ईशान किशन लगभग धीरे धीरे करके ओपनिंग में अपनी जगह फिक्स कर रहे हैं और अगर यहाँ पर इनकी जगह फिक्स हो जाती है तो इसके बाद थोड़ी बहुत परेशानी केएल राहुल के लिए बढ़ सकती है क्योंकि केएल राहुल वो प्लेयर हैं जो कि किसी भी नंबर पर खेल जरूर सकते हैं लेकिन पावर प्ले का उनसे अच्छा उपयोग शायद कोई कर नहीं। और केएल राहुल का तो ये मानना है कि अगर ईशान किशन उनकी जगह खेलकर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है और केएल राहुल का ये कहना है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की जीत पर होता है और हम यही चाहेंगे कि टीम इंडिया कैसे भी करके मैच जीते, फिर ईशान किशन चाहे ओपनिंग में खेलें या फिर किसी भी नंबर पर खेलें, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, केएल राहुल का ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।